Shweta, Yami Gautam coming face to face. What's the big deal? This is regular stuff in Bollywood, guys. यहाँ पर अगर husbands recycled ना हो तो लड़कियाँ कवारी रह जाएं. Star wives को other women usually accept करना पड़ता है. उनका Mrs. So and So title उनके लिए ज़्यादा important होता है. So it's easier to tolerate another woman than give up your status. स्टार शायद सर्वाइवल के लिए कम करते हैं और पैसे के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट ज्यादा करते हैं. आजकल तो जहां देखो कोई मरहम लगा रहा है तो कोई बाम तो कोई तेल मल रहा है. आई मीन वेयर इज द एक्सक्लूसिविटी विद बॉलीवुड स्टार्स. सोनम के डैड अनिल ने खुद मुझे एक बार कहा था दैट यू नो सिमी, जब तक मेरे राइवल्स मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आई विल फील वेरी कंफर्टेबल. कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही ब्रांड्स एंडोर्स. वाइफ एंड अदर वुमन का सागा छिड़ गया फिर से एक बार इन बॉलीवुड. हो जाइए वार्म अप. यू आर वाचिंग बी टाउन्स हॉटेस्ट एंड स्पाइसीएस्ट शो. कट इट विद मी सिमी चंदो. क्या होता है जब एक स्टार की वाइफ और गर्लफ्रेंड यानी कि अदर वुमन आती हैं फेस टू फेस? नथिंग, कुछ भी नहीं होता. यस, आपने सही सुना. बॉलीवुड इज सो यूज्ड टू द अदर वुमन दैट मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट जस्ट कर इट. अपेरेंटली श्वेता रोहिरा और यामी गौतम एक्सीडेंटली एक ही थिएटर में एक ही फिल्म के स्क्रीनिंग पर गए थे. Shweta or Yami Gautam coming face to face, what's the big deal? This is regular stuff in Bollywood, guys. यहाँ पर अगर husbands recycled ना हो तो लड़कियाँ कवारी रह जाएं. Oh, come on now. Link ups with married men and the other woman's stories. Bollywood में तो ये सब होता ही रहता है. So, just cut it, यार. Jokes apart, if you look at most marriages, जहाँ पर actresses की अगर हम शादी देखते हैं, most actresses are married to already married men. That is the reality of Bollywood. जब Bollywood heroine एक married man को उसकी बीवी से छीन लेती है, तो Bollywood के लिए तो ये आम बात है. पुलकित सम्राट की फिल्म की heroine यामी ने पहले पुलकित की wife श्वेता को पूछा था कि You think I will take your husband away from you? तब श्वेता ने यामी को underestimate किया and the rest is history. स्टार वाइफ्स को अदर वुमन यूजुअली एक्सेप्ट करना पड़ता है. उनका मिसेस सो एंड सो टाइटल उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो इट्स इजियर टू टॉलरेट अनदर वुमन देन गिव अप योर स्टेटस. आज श्वेता बनी है एक विक्टिम और बी टाउन के लोग यामी को कर रहे हैं ब्लेम. पर सच्चाई तो ये है कि बॉलीवुड में अफेयर्स होते हैं आम बात और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है खास. सो जस्ट कर इट यार. वैसे स्टार वाइफ्स जब उनसे शादी करती हैं तो क्या सोचकर करती हैं? वो क्या रेगुलर बेचारा इंसान है जो टाई शर्ट पैंट पहनकर काम पर जा रहा है? नो, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी जॉब. यहाँ पर दे आर वर्किंग विद हॉट गर्ल्स, दे आर शूटिंग विद हॉट गर्ल्स, दे आर किसिंग हॉट गर्ल्स. तो जब तक तो पैसा आ रहा होता है तब तक तो वाइफ खुश रहती है. जैसे ही दौलत के साथ औरत आती है तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. शिवाना आजमी, श्रीदेवी और रेखा सबके नाम लव ट्रायंगल से जुड़े हैं. फ्रॉम द करंट क्रॉप रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा आज मैरिड हैं. लेकिन रूमर तो यही था कि रानी वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक आदित्य चोपड़ा मैरिज. अपेरेंटली रानी ने 7 साल तक रखा था अपना अफेयर टॉप सीक्रेट. प्रीति ज़िंटा वाज आल्सो अक्यूज्ड ऑफ बीइंग द अदर वुमन इन डायरेक्टर शेखर कपूर्स लाइफ. और उनकी एक्स वाइफ सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने तो प्रीति ज़िंटा पर लिखी थी एक पोएम टाइटल्ड मैन ईटर. लेकिन प्रीति ज़िंटा ने किया है इस अफेयर को डिनाई. सच तो यह है कि बॉलीवुड में वाइफ पर चीट करना और दूसरी शादी या कम से कम गर्लफ्रेंड रखना तो आम सी बात है. इनफैक्ट बॉलीवुड के कई करंट स्टार्स इस बात का प्रूफ है कि व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग द अदर वुमन बी टाउन का दिल होता है बहुत ही बड़ा. Why just the star wife, star children tak other woman ko accept kar lete hain? They're pretty okay with stepmoms. In fact, they love their stepmoms. Are too many
एड्स बैड फॉर अ स्टार्स इमेज? क्या स्टार्स को कम कर देनी चाहिए अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट्स, या फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो गई हैं आज अ मस्ट फॉर अ स्टार सर्वाइवल? देखते हैं इन POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। कैटरीना, करीना, दीपिका और सोनम हमेशा खुशी से करती हैं ब्रांड्स को एंडोर्स। मेल स्टार्स लाइक रणवीर टू रणबीर भी नहीं छोड़ना चाहते मौका टू मेक दैट फास्ट बक। लेकिन आर दी स्टार्स बीइंग लेस चूजी? दैट इज आवर POV स्टोरी फॉर द वीक। स्टार्स शायद सर्वाइवल के लिए कम करते हैं और पैसे के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट ज्यादा करते हैं। आजकल तो जहां देखो कोई मरहम लगा रहा है तो कोई बाम तो कोई तेल मल रहा है। आई मीन वेयर इज द एक्सक्लूसिविटी विद बॉलीवुड स्टार्स? आजकल किसी भी बड़े स्टार को देखो, वो बेच रहा है तेल या मल रहा है अपने शरीर पर मलम, कोई लगा रहा है ठंडा ठंडा पाउडर तो कोई कह रहा है लगा लो टीका, तो पोल्यूशन से किसी का चेहरा हो गया है फीका। No brand that the stars in Bollywood do not endorse today. ऐसे Hollywood में तो नहीं होता, लेकिन Bollywood में होता है। कोई चड्डी बेचता है, कोई बनियन बेचता है, कोई बिस्किट खाता है, तो कोई दवाइयाँ तक खाता है। यहाँ पर तो they will do anything for money. From Varun Dhawan to Ranveer to Shahid Kapoor, everybody has jumped on the bandwagon of ads. लेकिन क्या इससे खत्म नहीं होगा उनका stardom, or is money their ultimate destination? मट्टी, सीमेंट, अल्कोहल, ये सब तो चलो स्टार्स एंडोर्स करते हैं, छोड़ो, लेकिन ढोंगी बाबा तक को वो एंडोर्स कर जाते हैं। मैंने ये पहना, मैंने वो पहना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और फिर अपनी लाइफ ऐसे दिखाते हैं कि बदल गई, लेकिन आपकी लाइफ बदली हुई थी इसलिए तो आपको एड मिली। जहाँ आज इवन ओल्डर स्टार्स नजर आते हैं कमर्शियल्स में, एक वक्त था जब ओल्डर स्टार्स को एड फिल्म्स में आने के लिए ब्रांड मैनेजर्स को करनी पड़ती थी जद्दोजहद। क्या यंग बॉलीवुड स्टार्स ले सकते हैं ओल्डर स्टार्स से इंस्पिरेशन? बिकॉज दे श्योर लुक लाइक दे आर साइनिंग एड फिल्म्स आउट ऑफ डेस्परेशन। अब देखा जाए तो जो स्टार्स ब्रांड्स एंडोर्स कर रहे हैं उनके मॉम्स और डैड्स तो कभी ना करते, बट आज शायद अगर पेरेंट्स को मौका मिल जाए तो वो भी कर लेंगे, बिकॉज पूरा एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रांड्स टुवर्ड्स एड्स हैज चेंज्ड। कुछ साल पहले स्टार्स को लगता था कि हम एड्स करें वो हमारी शान के खिलाफ है, हमारी स्टार वैल्यू कम हो जाएगी। आज स्टार्स को लगता है कि ओ, हमने ब्रांड्स के लिए एड्स ना की तो हमारी शान कम हो जाएगी। एड फिल्म्स में अपीयर करना था ओल्डर बॉलीवुड स्टार्स के शान के खिलाफ, राइट फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू ऋषि कपूर टू श्रीदेवी टू रेखा। एड फिल्म्स या छोटे स्क्रीन पर नहीं नजर आना चाहते थे, लेकिन अब शायद इक्वेशन हो गया है चेंज। हर फ्राइडे को एक सुपर फ्लॉप मूवी से डिप हो जाती है स्टार की वैल्यू, और शायद इसलिए स्टार्स अपने लिमिटेड शेल्फ लाइफ को करना चाहते हैं इन कैश। एक जमाना ऐसा था जब श्रीदेवी ने एक एड तो की, बट शी रिफ्यूज्ड टू टच द ब्रांड्स। यू सी, इट वाज नॉट अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अ स्टार टू डू एड्स। रेखा तब एड कभी नहीं करती, लेकिन आज रेखा तो चॉकलेट खा रही है। वो जमाना और था, स्टार्स वर वेरी कॉन्शियस ऑफ द इमेज, दे वर लेस ग्रीडी, चैनल्स कम थे तो एड्स भी कम थी, ब्रांड्स भी तो कम थे। आज के यंग स्टार्स शायद रहना चाहते हैं इन टच विद देयर फैन बेस एंड ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टे अहेड ऑफ द रेस। हर कोई जुड़ा है इस ब्रांड एंडोर्समेंट की रेस में। शायद वक्त ने बदल दिया है सीनियर्स का परसेप्शन। आफ्टर ऑल एवरी स्टार वर्थ हिज और हर सॉल्ट वांट्स अटेंशन। इनफैक्ट एड फिल्म से परहेज करने वाले सोनम के डैड अनिल कपूर भी उतर आए एड फिल्म के मैदान में। सो मेबी द ओल्डर स्टार्स टू आर लर्निंग फ्रॉम द यंगर स्टार्स, एंड द यंगर स्टार्स कैन लर्न अ बिट अबाउट एक्सक्लूसिविटी फ्रॉम द ओल्डर स्टार्स। सो एड फिल्म साइन करने के मामले में यंगर स्टार्स नहीं है ऑफ द मार्क। आफ्टर ऑल एवरी star wants to enjoy the limelight and not remain in the dark. Stars ko kya farak padta hai ki fans ke sath kya ho raha hai unke brands kharidne ke baad? Impossible, they don't care. डर लगे तो गाना गाओ, आजकल फिल्म्स को हिट करने का हो गया है यही फंडा। हर स्टार ने गाना गाना ही बना लिया अपना धंधा। पॉइंट इज, हैज द सॉन्ग बिकम बिगर देन द फिल्म? क्या स्टार तो क्या एक्टर, जिसको देखो वही गाना गा रहा है।
फर्स्ट इट वॉज प्रेम रतन धन पायो, ये गाना डब स्मैश पर एक गिमिक बनकर हिट हो गया सुन सुनकर। फिर आया बेबी को बेस पसंद है और अब काला चश्मा। हर कोई कटरीना और सिड के न्यू लुक और इस कैची सॉन्ग के बारे में बात कर रहा है। इनफैक्ट यूट्यूब पर इस गाने को 5 मिलियन हिट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। आजकल फिल्म प्रमोट करनी है तो गाना तो बनता है बॉस, क्योंकि पिक्चर चले न चले गाना जरूर चलना चाहिए। Bigger than the picture. आजकल जितनी मेहनत, जितना पैसा, जितना प्रमोशन शायद एक मूवी पर लगता है, उतना एक सॉन्ग पर लगता है। और इतने millions of views जितने उन्हें सॉन्ग से मिलते हैं, मूवी चले ना चले शायद पिटे, लेकिन सॉन्ग तो चला ही देता है। पहले बॉलीवुड में फिल्म प्रमोट करने के लिए दमदार धमाकेदार डायलॉग का ट्रेलर दिखाया जाता था, लेकिन आजकल तो गाने के बिना कोई भी फिल्म प्रमोट करने की सोच ही नहीं सकता। नॉट सरप्राइजिंग, सलमान खान खुद अब किसी विलन के शरीर में छेद करने की बात नहीं करते, पर तू मेरा हीरो गाकर ऑडियंस को वो करते हैं। अपनी फिल्म हीरो में सलमान डॉन द रोल ऑफ अ प्लेबैक सिंगर और फिल्म के प्रोमोज में भी इस बात को हाईलाइट किया गया। सलमान सिंगिंग वॉज द हाई पॉइंट ऑफ द मूवी। सूरज और आतिया का लॉन्च ही सलमान के गाने से हुआ था। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट टैलेंटेड, बट सलमान सॉन्ग वाज डेफिनेटली अ विनर फॉर देम। यो यो हनी सिंह का लुंगी डांस हो या बादशाह का सुपर हिट सॉन्ग कर गई चुल, फिल्म प्रमोशन के लिए यूजिंग सॉन्ग्स हैज बिकम द रूल। फिल्म मेकर्स तो सिंगर्स की पॉपुलैरिटी को इनकैश करना चाहते हैं। मीट ब्रदर्स हो, बादशाह या द नोटोरियस मीका सिंह, सभी सिंगर्स हीरो के साथ फिल्म के प्रोमोज में गाने पर लिप सिंक करते नजर आते हैं। आजकल सिंगर्स भी बहुत हाई प्रोफाइल हो गए हैं। दे आर नो लॉन्गर लता मंगेशकर एंड आशा भोंसले जो बस सिर्फ गाना गाकर खुश थी। आजकल के जो सिंगर्स हैं उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, वो लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, वो गोल्ड चेन्स पहनकर गाना गाते हैं और फॉलोअर्स मूवी के लिए ले आते हैं। Mika paired with the pretty Diana Penty for the song Gabru Ready to Mingle. Aur Mika hamesha ki tarah audience ka dhyan apni aur film ki aur kheench lenge. Catchy song se hi Bollywood kheench raha hai audience ka dhyan. The reason is simple. Gaano mein hota hai X factor jahan filmmaker dikha sakte hain some cool moves, some glam sham and get the audience curious about the movie. Film promotion ke liye gaano ki demand itni badh rahi hai ki singers ko aajkal massive budgets par sign kiya ja raha hai for that one catchy exclusive song. फ्रेंकली फिल्ममेकर्स और स्टार्स के पास कोई चॉइस भी नहीं है, दे प्ले सेफ, प्लस आर्टिस्ट बहुत ही डिमांडिंग हो गए हैं। आजकल अरिजीत को देख लिया ना, थोड़े से भी नाराज हो गए तो सलमान की कंप्लेन कर देते हैं। सिंगर्स की फौज को अकेले लाइमलाइट लेने से रोकने के लिए बॉलीवुड के A-lister स्टार्स ने भी कमर कस ली है। सलमान फिल्म ट्यूबलाइट में भी एक गाना गाकर फिर से ऑडियंस को रिझाएंगे। आमिर खान भी अपनी फिल्म दंगल के लिए रैप सॉन्ग गाने वाले हैं। गाने के प्रमोशन से सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट ज्यादा तेज जलेगी या आमिर की फिल्म दंगल में कुछ मंगल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फॉर नाउ बॉलीवुड अपने फिल्म के लिए सॉन्ग प्रमोशन से धूम मचा रहा है, भले ही फिल्म हिट हो ना हो, लेकिन सॉन्ग सुपर हिट होने से फिल्म देखने के लिए लोग बेताब हो ही जाते हैं। स्कैंडल हो या फैशन, हम बताते हैं आपको बीटाउन की हर सिचुएशन और स्टार्स की क्या है सीक्रेट एंटी एजिंग सॉल्यूशन, कमिंग अप शॉर्टली। मेल स्टार्स तो कर लेते हैं अपनी इनसिक्योरिटी हाइड, लेकिन एक्ट्रेसेस के लिए छुपाना है डिफिकल्ट। मेल स्टार्स तो कर लेते हैं अपनी इनसिक्योरिटी हाइड और दोस्ती फेक, लेकिन एक्ट्रेसेस के लिए आपसी राइवलरी छुपाना है डिफिकल्ट। इसका एक ही नतीजा होता है कोल्ड शोल्डर। Bollywood
बॉलीवुड के हीरोज बड़े चैप्टर होते हैं, दे आर गुड एट कवरिंग अप देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, बट द लेडीज ऑफ बॉलीवुड मौका मिलते ही अपने क्लॉज दिखा देती हैं, सो अनडिप्लोमेटिक ना। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर की। रिसेंटली एक पार्टी में दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर और करण बीएफ रणवीर तो ऐसे बॉन्ड कर रहे थे मानो दे वर पोकेमोन चडी बडीज, लेकिन सोनम और दीपिका के बीच कोल्ड वॉर सभी को नजर आ रही थी। आखिर सोनम और दीपिका एक दूसरे को इतना हेट क्यों करती हैं? Here are the answers only on conflict. If Sonam and Deepika have given each other a cold shoulder, I think it's perfectly normal and perfectly healthy. After all, जहाँ पर rivalry होती है, वहीं पर तो aspiration होती है. Competition is healthy, you see. And today, Deepika and Sonam are rivals. अगर सोर्सेस की माने तो सोनम और दीपिका एक ही वक्त एक ही पार्टी में मौजूद थी, पर दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। लेकिन सोनम और दीपिका का कॉन्फ्लिक्ट ब्लेटेंटली एक्सपोज हुआ जब सोनम वाज सीन हैंगिंग अराउंड विद परिणीति एंड आलिया एंड चोज टू कीप अ हेल्दी डिस्टेंस फ्रॉम दीपिका। इनफैक्ट पार्टी के होस्ट ने दीपिका का हाथ पकड़कर सोनम को पुकारा सो दैट दे कुड से अ फॉर्मल हेलो टू ईच अदर, लेकिन मैडम सोनम कपूर ने दीपिका को रॉयली इग्नोर कर दिया। Sonam and Deepika have many reasons to feel like they are rivals with each other. You know, they both have the fashionista factor, they both prove themselves with their acting, and they have the X factor. Yani ki Ranbir Kapoor, dono ne milkar Ranbir Kapoor ki band bajayi thi. इस कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट के कई रीजंस हैं। सोनम इज आफ्टर ऑल बॉलीवुड्स ओरिजिनल फैशनिस्टा, लेकिन दीपिका इज नो लेस। दीपिका ने बॉलीवुड में आने से पहले काफी ब्रांड एंडोर्समेंट्स किए हैं। दीपिका वाज नोन एज अ हाई प्रोफाइल मॉडल और इसी ग्लैमरस इमेज की वजह से उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिली, तो जाहिर है सोनम विल ऑलवेज फील कि फैशनिस्टा का ओरिजिनल टैग उनसे छीनने के लिए दीपिका जरूर कोशिश करेगी। सोनम अगर बॉलीवुड की पेडिग्री है तो दीपिका के पास टॉप नॉच मॉडलिंग असाइनमेंट की डिग्री है। पीट ब्रांड एंडोर्समेंट्स और कटिंग द रिबन टू इनॉग्रेट A high-end store, Deepika और सोनम एक दूसरे से कम्पीट जरूर करती है और करती रहेंगी। सोनम वॉज लिंक्ड विद रणबीर कपूर और दीपिका ने सोनम के क्लोज फ्रेंड और सबसे पहले को-स्टार के साथ प्यार की रासलीला खेली और सोनम के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि सोनम हमेशा रणबीर के साथ गुड फ्रेंड वाला इक्वेशन मेंटेन करती हैं, लेकिन सोनम इज एक्सट्रीमली बैड एट हाइडिंग हर इमोशंस और गलत वक्त पर सोनम के दिल की बात उनके चेहरे पर नजर आ ही जाती है, और इस पार्टी में ऐसा ही हुआ। दीपिका भले ही बॉक्स ऑफिस पर कंसिस्टेंट हिट्स दे चुकी हैं, लेकिन सोनम भी दीपिका के साथ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में है। अगर दीपिका ने पीकू दिया है तो सोनम ने रंजना जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को हैंडल किया है। अगर दीपिका ने फिल्म बाजीराव मस्तानी दी है तो सोनम ने रिसेंटली फिल्म नीरजा नाम के बायोपिक में अपने परफॉर्मेंस से क्रिटिकल अक्लेम हासिल किया है। सोशल मीडिया पर तो सोनम ने दीपिका को फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए मुबारकबाद दी है और दीपिका ने भी फिल्म नीरजा में सोनम की परफॉर्मेंस की दाद दी है, लेकिन पता नहीं दोनों को पार्टी में आमने सामने आने पर क्या हो जाता है। दरअसल इस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है प्रोफेशनलिज्म और एक हेल्दी एटीट्यूड भी। दीपिका इज अ ट्रू स्पोर्ट्समैन एंड बिलीव्स इन गिविंग 100%, लेकिन सोनम भी कम नहीं है। आफ्टर ऑल शी इज द डॉटर ऑफ अ ह्यूज स्टार जिनके फाइन क्वालिटीज सोनम पर भी रब ऑफ हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पर माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस में बदलता है या हमेशा की तरह कोल्ड वॉर में। सोनम कपूर और दीपिका के बीच जो चल रहा है उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक्चुअली मुझे सोनम के डैड ने दिया था। सोनम के डैड अनिल ने खुद मुझे एक बार कहा था दैट यू नो सिमी, जब तक मेरे राइवल्स मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आई विल फील वेरी कंफर्टेबल। जिस दिन मेरे कॉम्पिटिटर्स ने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी उस दिन मैं टेंशन में आ जाऊंगा। दैट मीन्स यू आर नो लॉन्गर कॉम्पिटिशन टू देम। इससे ज्यादा कोई समझा सकता है क्या? ब्रिलियंटली पुट एंड आई नेवर फॉरगॉट इट ओवर डेकेड्स। स्टार्स अपनाते हैं यंग दिखने के लिए एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, बट हम कटेड हैं, दिखाते हैं आपको रियल सिचुएशंस। फॉर मोर ऑफ बॉलीवुड सीक्रेट्स फॉलो मी सिमी चंदोक ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड स्नैपचैट। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। अंटिल देन लेट्स कट इट।